नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोलफील्ड मिरर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीएफएम न्यूज चैनल, हर पल आपके साथ। आज दोस्तों, इससे पहले कि आज की खबरों के बारे में हम लोग बात करें, जो 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 खबरें हम लोगों ने आप तक पहुंचाना है, लेकिन आपको एक बात बता दें कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप घर से बाहर ना निकलो, क्योंकि अब तक पूरे हिंदुस्तान में 3210 COVID-19 के मरीज पाए गए हैं, जिनमें आपका जाकर के 2895 पॉजिटिव है और 229 लोगों को जांच करके छोड़ दिया गया, लेकिन अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप घर पे रहें, आप चूंकि इसकी वाहिद लड़ाई यही कि हम अपने आप को घर में रहेंगे तभी हम इससे बच पाएंगे। आज दोस्तों, आज की तो यूं तो बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें आई, लेकिन सबसे अहम खबरें ये है, ये आई कि वेस्ट बंगाल सरकार ने 6 महीनों के लिए राशन को मुफ्त कर दिया गया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि लोगों को 6 महीने तक राशन मुफ्त दी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बर्धमान की जो सरहद है उसको सील कर दी गई है। आसनसोल पुलिस कमिश्नर के सुकेश कुमार जैन ने यह ऐलान किया कि सरहद को सील कर दी गई है और जो लोग अब इस सरहद को पार करने की कोशिश करेंगे उनको आइसोलेशन कैंप में भेज दिया जाएगा। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पर रहें। तीसरी बड़ी खबर ये आई है कि 50 नंबर वार्ड, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 50 नंबर वार्ड में आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के AMMIC मीर हासिम की तरफ से लोगों में राशन बांटने का सिलसिला जारी है और उन्होंने ये कहा है कि तमाम लोगों तक, उनके वार्ड में जितने लोग हैं तमाम लोगों तक राशन पहुंचाई दी जाएगी, किसी को भी भूखा मरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग ये देख रहे हैं कि आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो में 106 वार्ड है, लेकिन बहुत सारे काउंसिलर अब तक जो उनके वोटर हैं, जिस जो उनके वार्ड के रहने वाले हैं वहां तक उनकी राशन नहीं पहुंच पा रही है। हम लोग मेयर साहब को इतना एक्टिव देख रहे हैं, बाकी दिगर काउंसिलरों को हम लोग उतना एक्टिव नहीं देख रहे हैं। इसलिए काउंसिलर से मेरी अनुरोध है कि कृपया आप अपने वार्ड को कम से कम खबर लें और जिन लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है वहां तक राशन पहुंचाने का काम करें। और एक बड़ी ये खबर आई कि वेस्ट बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोमेन मित्रा ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर ये कहा कि आपने जो जल्दबाजी में बहुत फैसला ले लिया है और लॉकडाउन जो हुआ है इसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, आप GST और इससे पहले भी नोटबंदी का जो फैसला था लोगों को परेशान किया, अगर मजदूरों को पहले मालूम हो जाता कि लॉकडाउन होने वाला है तो शायद आज इतने मजदूर नहीं मरते। उन्होंने कहा है कि थाली बजाने से और मोमबत्ती जलाने से कुछ नहीं होगा, आप जल्द से जल्द इस पर रिसर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल बनाएं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जाँच की जा सके। इसके बाद एक बढ़िया खबर यह आई झारखंड मधुपुर से अन्नू अग्रवाल लोगों की एक ग्रुप है व्हाट्सएप की, उस ग्रुप ने ये काम किया है कि उनके साथ कुछ रिपोर्टर भी मिले हैं और वो लोग घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये एक अच्छी खूबी है और जितने भी रिपोर्टर उनसे भी मेरी अनुरोध है कि अगर आप भी इस तरह का अगर सेवा कर सकते हैं तो अपने सेवा को आप खिलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुँचे और वो लोग भुखमरी का शिकार ना हो। अब मेरी बस उन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लॉकडाउन का पालन करें और घर से बाहर ना निकलें। और एक आज जो सबसे बड़ी अहम खबर ये आई है कि आसनसोल ब्लड बैंक जो है वहाँ पर लॉकडाउन होने के बावजूद भी अब तक वहाँ पे खून मौजूद है। जिन लोगों को खून नहीं मिल रहा है, आसनसोल के एक सोशल वर्कर परभिधर जी ने अपना एक नंबर शेयर किया है और लोगों से ये कहा कि अगर आपको खून की जरूरत है तो आप मुझसे रब्ता करके खून मंगा सकते हैं। उन्होंने जो नंबर दिया वो नंबर ये है 9832198321944-01। तो जिन लोगों की अगर लग रहा है कि खून की कमी है और पैसे मरीजों तक खून पहुंचाना चाहे तो वो परभिधर से रब्ता करके खून को पहुंचा सकते हैं। तीसरी बड़ी खबर ये, और बाकी खबरों के साथ एक खबर हम लोग ये भी सुन रहे हैं और लोगों ने बार बार कह रहे हैं कि राशनिंग निजाम में जो लोग भीड़ लगाकर राशन ले रहे हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मेरे जो राशन डीलर हैं उनसे अनुरोध है कि आप जो राशन के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आप डिस्टेंस मेंटेन करके राशन को डिस्ट्रीब्यूशन करें। सर, वेलकम इन आवर चैनल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कन्हैया लाल कन्नू। हम लोग देख रहे हैं कि अग्रसन जो भवन है यहाँ पे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं सामानों का, ये क्या करोगे आप लोग? ये एक व्हाट्सएप ग्रुप करके एक समिति का गठन किया गया है, कोरोना आपका राहत सब ग्रुप,
बनाया गया है। जो ये विपदा आई है, ये जो भीषण महामारी पूरे देश में फैली हुई है, उसके लिए मधुपुर के पत्रकार बंधु, समाजसेवी अफसर और समाजसेवी लोग मिल करके मदद करने के लिए सब लोग इकट्ठे हो करके यहाँ सारे राहत सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों से दान ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं और उसको यहाँ पर पैकिंग करवा के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनके घरों तक हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस बुरा वक्त में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या कुछ टारगेट किया, कितने लोगों तक पहुँचाना है? टारगेट ऐसा है ना कि इस चीज़ का कुछ टारगेट एक नहीं होता है कि कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को ज़रूरत है, ये टारगेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग का यह मकसद है कि प्रत्येक ज़रूरतमंद, चाहे वो संख्या में जितने भी हो, सबों तक हम लोग राशन पहुँचाएँ। जब तक यह महामारी कोरोना लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, तब तक हम लोग शहर के अलावा देहात तक भी पहुँचाएँगे। सिर्फ शहर में नहीं, अभी कल का जो फर्स्ट फेज था, वार्डों में कल वितरण किया गया। उस कल के वितरण के लिए हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर पालिका के हमारे चेयरमैन महोदया, इन लोगों ने उद्घाटन किया कल गाड़ी को रवाना करके, और कल से जो ये सिलसिला चालू है अब ये चलता रहेगा आगे तक। इस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों को आंसू पोंछते हुए काम आ रहे हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? बहुत खुश है लोग, बहुत समिति को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि एक आपने एक अच्छी पहल की आप लोगों ने। तो आज हम लोग उस कमेटी में करीबन 13 सदस्य हैं, 13 सदस्यों ने मिलकर के जो ये बीड़ा उठाया है, सबों का बराबर सहयोग है। अब तन मन धन से सभी लोग 13 लोग लगे हुए हैं इसमें, और ये अपने आप में एक अनूठा मिसाल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मधुपुर पूरे झारखंड में अपना एक नंबर स्थान प्राप्त करेगा समाज सेवा के क्षेत्र में। सर, लास्ट में ये है कि चलते चलते एक क्वेश्चन ये चाहूँगा कि आप जो इतने बड़ी काम कर रहे हो और ये जो बीड़ा आपने उठाया है कि लोगों को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा, सब तक आप अनाज पहुँचा रहे हैं, इस पहल में किन लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? मधुपुर के व्यापारीगण बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग समिति की ओर से उन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जो स्वतः हम लोग को मानने की दरकार नहीं पड़ रही है, हम लोगों ने ग्रुप में उन लोगों सबको एक जोड़ा है, उस ग्रुप के माध्यम से लोग हम लोगों को दान देते हैं। और बहुत सी सामाजिक संस्था है, शैक्षणिक संस्था है, जो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रही है। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल आरक्षी पदाधिकारी महोदय, पुलिस पदाधिकारी महोदय का भी हम लोग को बहुत सहयोग मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। किसी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं होने दी जा रही है, दिक्कत नहीं होने दी जा रही है। हमारे माननीय मंत्री हाजी हुसैन अंसारी जी का भी हम लोग को बहुत सहयोग मिला है, उन्होंने भी हम लोग सहयोग के रूप में 50 कुंटल चावल और दाल, 5 कुंटल दाल हम लोगों को भेजा है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में और भी दरकार आप लोगों को पड़ेगा तो उसको पूर्ति हम करेंगे। सर, लास्ट में एक मैसेज ये दे कि जो कोरोना के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, और जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, लॉकडाउन का पालन तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इस महामारी से लड़ने के लिए यही उपाय है। लॉकडाउन होने से भारत में इसमें गिरावट आएगी और कमी काफ़ी आएगी, जिसको हम लोग सबको मिल करके करना चाहिए। और आज यह समिति जो है, सभी जात धर्म, चाहे वो किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, किसी धर्म के हो, सबों को हम लोग सहयोग पहुंचा रहे हैं और सबों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन आप लोग कड़ाई से करें। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार मेरा नाम है और मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि जो मधुपुर के रिपोर्टर है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ये बात आप लोगों माइंड में कब आई? देखिए, पत्रकार खबरों का संकलन करते हैं, चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, लेकिन पत्रकारों की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, वो भी कहीं ना कहीं एक समाज का अंग है। तो जब हम लोगों ने देखा कि इस वक्त जहाँ पूरा विश्व आज इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तो मधुपुर के पत्रकारों ने भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ज़रूरतमंद लोगों को, निर्धन लोगों को अनाज मुहैया हो सके, कोई भी व्यक्ति अनाज के बगैर भूखे नहीं रहे, इसके लिए हम लोगों ने भीड़ा उठाया। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ अनाज इकट्ठा हुआ है, और हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने लोगों से आग्रह किया कि वो इस अभियान में जुड़े, लोगों को भोजन कराने के लिए सहयोग करें। और ये व्हाट्सएप का बहुत ही अच्छा सदुपयोग हम लोगों ने देखा,
उनके व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 20 टन अनाज यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। आपने जो ग्रुप बनाई, उस ग्रुप में किन लोगों का सपोर्ट मिला, कौन कौन मेंबर आपको बहुत एक्टिव दिखाई दिए? हमारे उसमें मधुपुर के जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, मीडिया के बंधु हैं, झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब का सहयोग है, वार्ड के जितने भी पार्षद हैं, मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, बुद्धिजीवी, सभी वर्ग का भरपूर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हम लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में हम लोग देख रहे हैं कि रिपोर्टर जो है वो भी जान जोखिम करके लोगों तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन खबरें पहुंचाने के साथ साथ आप लोग जो है एक गरीबों का आंसू को भी पोंछ रहे हैं, कैसा लगता है जब दूसरे को खुश होते हुए देखते हो? तो अंदर से बहुत खुशी महसूस होता है और ये लगता है कि हमारी जो जिम्मेदारी थी पत्रकारिता के क्षेत्र में हम हैं, लोगों को खबरों के खबरें पहुंचाने के साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारी है समाज के प्रति, उन लोग उसका पालन करने के बाद अंदर से बहुत खुशी और बहुत ही मजबूती मिलता है हमारे इस पत्रकारिता को। आप जो अभियान चला रहे हैं, इसमें जो लोग अब तक आप लोग से जुड़े नहीं हैं, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? उसके लिए यही संदेश है कि आप अगर हमें सहयोग कर सकते हैं आर्थिक या अनाज के तौर पर तो वो करें, नहीं तो कम से कम आपके आसपास जो 5 लोग हैं, 5 परिवार हैं, 10 परिवार हैं, उनको सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित करें, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने में हम लोगों का मदद कर सकते हैं। मधुपुर में हम लोगों ने देखा जो गवर्नमेंट की जो स्टाफ है, जो सरकार की जो स्टाफ है, जो सरकारी अमला है, वो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे एज ए रिपोर्टर? इस सरकार के पदाधिकारियों का काफ़ी सहयोग हम लोगों को मिला है और इस विपत्ति की घड़ी में ये प्रतीत नहीं होता है कि हम समाज के लोग हैं, हम आम नागरिक हैं और वो पदाधिकारी हैं। हम दोनों आपस में सामंजस्य बैठा कर इस अभियान को चला रहे हैं और काफ़ी सहयोग मिल रहा है। सर, आखिर में जो लोग इस मुसीबत के वक्त में जो मायूस हो गए हैं, उसके लिए क्या मैसेज है आपका? उसके लिए यही मैसेज है कि भारत के लोग बहुत मजबूत हैं और हम लड़ सकते हैं इस लड़ाई को, अपने आप को कमजोर नहीं समझे, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, पूरा भारतवर्ष के लोग एक दूसरे के सहयोग में लगे हुए हैं, वो खुद को अकेला नहीं समझे, हमारी टीम भी उसके लिए लगी हुई है। उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वो सामाजिक डिस्टेंस को बना कर रखें और भारत सरकार के द्वारा जो नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है उनका पालन करें। थैंक यू।